टाडा विधायक अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में हो रहे चुनाव को धांधली बताया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है, गोलियों में लाठीचार्ज हो रहा है और पर्चियां फाड़ दी जा रही है, चुनाव कहाँ है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मैंने तो बहुत पहले ही कह रखा है कि सर्टिफिकेट दे दीजिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। धांधली चल रही है, मतदान ही चल रहा है। आप अपना थोड़ा, मैं ये कहूंगा कि अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट करें। रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। क्या सोचना आ रही है? सोचना ये सोच रही है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है, मोहल्लों में गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चियां फाड़ी जा रही है। चुनाव का है, चुनाव है। मैडम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे दीजिए, बिला वजह सरकारी इतने संसाधन बर्बाद हो रहा है, इतने पुलिस के जवानों की ड्यूटी बर्बाद हो रही है, सरकारी पैसा खराब हो रहा है। बीएसएफ के जवान हमारे बहुत दूर दूर से आए हैं, वो बेचारे बूथों के अंदर लगे हुए हैं, वो वोट तब पड़वाए जब मतदाता बूथ के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अखिलेश यादव और डिम्पल